So hi guys, good morning. तो ट्रक वाले भैया आ गए थे पीछे, तो सुबह सुबह मौसम काफ़ी औसम अच्छे से बादल, लेकिन बारिश नहीं आ रही है, मौसम औसम है तो क्या हुआ। तो जी अपन सुबह सुबह जल्दी उठ के चले गए थे बाहर, क्योंकि आज दीदी का पेपर था तो उनके साथ में बाहर गया था, और टाइम पे व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, दिक्कत परेशानी हो रही है अभी थोड़ी। अरे क्या है रे यार, अभी सही है ना एकदम। अभी एकदम रेडी है ना, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे अपन। ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी ही वापस अपने रिदम में आएंगे और डेली ब्लॉग डालेंगे। तो दो दिन का गैप आ गया था अपने ब्लॉग्स पे, और बात रही 1001 गाड़ियों की, तो उसकी प्लानिंग चल रही है पूरी। वो एलवीस बेहतरी हो जाए फिर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अपने पास कि कब है वो रैली, और रैली नहीं वो रेला होगा बहुत बड़ा, और एलवीस भाई का मेला होगा यूँ समझ लो। तो जल्दी उसके बारे में अपन बात करेंगे वापिस। एक बार मैं कहीं आया हूँ दोस्त से मिलने, तो उसे मिल के फिर आपसे वापस मिलता हूँ। आ गए अपन वापस तूफान लेके, तूफान तो खैर क्या ही लाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं आ रही है। तो एक फ्रेंड आया था मिलने के लिए, उसके उससे कुछ काम था तो बातचीत चल रही थी कुछ काम के पर्पज से, वो अभी नहीं रिवील करेंगे अपन, लेकिन बताएंगे आपको ज़रूर। एक छोटा सा स्टार्टअप कर रहा हूँ, मतलब कि एक साइड अर्निंग भी होनी चाहिए ना हर आदमी को, यूट्यूब से कब पैसा आएगा अपन को थोड़ी पता है, है कि नहीं। तो एक छोटा सा काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी मतलब उसकी प्लानिंग चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है ऐसा कि इमीडिएट चालू करना ही है। तो उसके लिए बात करने के लिए गया था, मतलब वो सामने से आया भी था और मैं वहाँ घर से यहाँ तक आया था, तो अरे यार तो बात हो गई है ऑलमोस्ट। तो और अब बात करते हैं अपन मीटअप की अनाउंसमेंट की। तो भाई तो अपने पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मीटअप फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो क्रिकेट ग्राउंड है ना उसके अंदर किया जाएगा, क्योंकि इस वाले मीटअप में भी करीबन 1,00,000 जितने लोग आ गए थे, 1,00,000 से प्लस लोग ही थे वो, तो इतने लोग तो 1,00,000 जने तो इसमें ही आ गए थे, जो जहाँ पे एलवीस भाई मौजूद भी नहीं थे उस वाले मीटअप में भी 1,00,000 लोग आ गए। तो फिरोज शाह कोटला में इस बारी मीटअप होगा, तो सोचो कितने लोग आएंगे, मतलब कि कुछ आसाम ही नहीं है कुछ भी नहीं कह सकते, कोई आइडिया नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर पहले ना ललित भाई ने बताया था कि भाई एक स्टोरी पे 15 मिलियन व्यूज, और करीबन 1 करोड़ लाइक आ गए हैं उनके फोटो पे, जो विनर वाली फोटो ट्रॉफी के साथ में जो फोटो डाली थी उस पर 1 करोड़ लाइक्स आ गए हैं। भाई इतना ज़बरदस्त खेल हो गया है, माहौल हो गया है, तो फिर तो बनता ही है सर, फिरोज शाह कोटला बनता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो फिर इस बारी अरे यार मक्खी परेशान कर रही है, तो इस बारी मीटअप फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में ही होगा होपफुली, और उनकी परमिशन मैं लगे हुए हैं सब जने, विनय भाई ललित भाई सब जने लगे हुए हैं, उनकी परमिशन मिल जाए उस ग्राउंड की तो मज़ा ही आ जाएगा, मौज बांध दी जाएगी पूरी सही तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है, तो काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं अभी भी, और एलवीस आर्मी का जो ट्रॉफी पे नाम सबमिट करवाने वाले हैं बहुत जल्दी,
एलिश आर्मी की जो ट्रॉफी है उस पे नाम जो अपन वो ये है ना ये टैटू बनवाते हैं जब कैसे गुदवाते हैं वैसे नाम गुदवाएंगे उस पे, और वो भी छोटे 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 डायमंड्स के साथ, ऐसा बताया है उन्होंने मेरे को ललित भाई ने। देखते हैं अब कैसे लिखवाते हैं। तो भाई के लिए बहुत सारा प्यार है, थोड़ा प्यार हमें भी दिखो यार दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलो फिर मिलते हैं घर जाके आपको, क्योंकि जो बात करने आया था वो फ्रेंड से मिल भी लिया, बात भी होगी अच्छी तरीके से एकदम। तो अब चलते हैं अपन घर पे, और डेट अनाउंस होते मैं आपको बता दूंगा कि कब है वो मीटअप, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, और मैं एलिश भाई का कट्टर फैन हूँ एकदम। और किसी भी बंदे के लिए मैंने आज तक मतलब कि ऐसी यात्रा नहीं करी है, तो सबसे पहली यात्रा मैंने एलिश भाई के लिए की, और भी आगे यात्राएं करूँगा मैं, पर एक बार के लिए 28 तारीख तक मैं फंसा हुआ हूँ थोड़ा काम में, तो उससे फ्री हो जाऊँ फिर मैं एक अच्छी यात्रा करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी, और मज़ा आ जाएगा आपको खूब। चलो फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई रिक्शा लेके पहुंच गए वापस घर, और अब घर जाएंगे और व्लॉग को एडिट करना है, काफ़ी धूप हो रही है। अरे यार क्या था भाई, चढ़ गया भाई हा? कुछ तो था लेकिन यार मच्छर। तो भाई रिक्शा से उतर के जस्ट घर पे पहुंचा हूँ, और अब सामने घर है, घर जाके ब्लॉग को एडिट कर लेते हैं। और बात रही मीटअप की, तो मीटअप बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको जल्दी ही बता देंगे भाई। तो ललित भाई से बात हो रही है, तो इस वीक में पता लग जाएगा कि कब होगा मीटअप और कब 1001 गाड़ियों का काफिला निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो बस रेडी रहना आप, तो बता देंगे आपको जल्दी ही। आप तो रेडी रहो बस उस विशाल मीटअप के लिए, बहुत बड़ा मीटअप होगा इस बार। चलो फिर घर पहुंच गया हूँ मैं, घर जाके मिलता हूँ। तो भाई ब्लॉग हो गया एडिट, और इस ब्लॉग को करते हैं अपन यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ, नए वीडियो के साथ, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो बाय।